पंजाब के अमृतसर में बनने वाले गुरु नानक देव के कॉरिडोर से भारत पाक के संबंध सुधरेंगे और इसे आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। ये बात हमीरपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रम में पहुंचे पंजाब के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोडी ने कहे। सोडी ने पंजाब में आतंकवादी हमले पर बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिन्हें सहन नहीं किया जाएगा। वहीं गुरमीत सोडी ने कहा कि खालिस्तान के लिए कुछ लोगों का तबका खालिस्तान बनाने की बात करता है, लेकिन यह नामुमकिन है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि खालिस्तान के लिए पंजाब के लोग और हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता है और ये कभी नहीं होगा। तो फिर भाई मैं कह रहा हूं कि खालिस्तानी कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक हिस्ट्री है, इतिहास है कि एक कुछ लोगों का एक अपना मिराज है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं और वो अपनी सोच करते रहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान नामुमकिन चीज है। यहां ये बंटवारा जो खालिस्तान वाले चाहते हैं, जो रेडिकल्स अपने आप को बुलाते हैं या जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, इनका कोई फाउंडेशन नहीं है, इनका कोई किरदार नहीं है। सो ऐसी बातें मेरा ख्याल जो आम आदमी है, जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी हैं या जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनका कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि यहां खालिस्तान की स्थापना हो या कभी ऐसा माहौल बने। शुरू हुई है, इससे पंजाब में कितना खुशहाली आने की उम्मीद है? देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि ये कुदरत है, नेचर का एक ऐसा चक्कर है कि ये जो आज सब कुछ हो रहा है। देखो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन वो एक इंसानियत और इंसानों ने बंटवारा किया, हालात ने बंटवारा किया, लेकिन कुदरत ने नहीं किया। आप पूछेंगे कैसे? वो इसलिए कि अगर कुदरत चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो, तो आज निजामुद्दीन औलिया यहां ना होते और गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ, जो जन्म स्थान है पंजा साहब और ननकाना साहब, वो वहां ना होते, कटास का मंदिर ना होता और अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में ना होता। तो ये एक मैन मेड सेपरेशन करी गई थी, लेकिन कुदरत ने कभी नहीं चाहा। आज वो इतने सालों के बाद दोबारा एक ऐसा गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़े पे एक ऐसा करिश्मा हुआ है, आज उसका क्रेडिट कोई इंसान नहीं ले सकता। वो रूहानी ताकत है बाबा नानक, जिन्होंने, जिनकी वजह से और जिनकी सोच से, जो इंसानियत के नाम पे काम करते थे, जिन्होंने हमेशा कहा कि नाम जपो, वंड छको और किरत करो, ये उनके नाम से आज उनकी जो देन है लोगों को, उसकी वजह से ये रास्ता खुल रहा है। और इस कॉरिडोर से, करतारपुर साहब की जो कॉरिडोर जाने खुलने वाली है, इससे मैं सोचता हूं कि दोनों मुल्कों में अंदरूनी ये भावना है, ये एक सोच है कि हम आपस में बैठें, हम आपस में बातचीत करें और ये जो टेररिज्म और आतंकवाद का जो सिस्टम है, इसको ये कुदरत ने ही खत्म कर देना है, क्योंकि इंसान तो आज तक खत्म नहीं कर सके, लेकिन बाबा नानक का जो सोच है और उस सोच पे आज मैं जो पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। हमारे जो हिंदुस्तान के जो वजीर आलम हैं, जो अपने मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री जी अपने प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और इन्होंने सब ने ये जो एक वहां का ये जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में आप देखना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में वही भाईचारा, वही प्यार, वही मोहब्बत रहेगा जो आज से कई सौ साल पहले, जब पहले बंटवारे से पहले जो आपस में एक दूसरे की देखरेख करते थे। सर कहीं ना कहीं एक वहीं अमृतसर में हुए हमले पर गुरमीत सिंह सोडी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और ऐसी घटनाओं से केवल भय बनाने वालों की कोशिशें जारी रहती हैं, जो कि कभी कामयाब नहीं होती हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बिगड़ जा सकती है। ये देखिए, जो ऐसे हादसे होते हैं, ये हमेशा एक शक का पॉइंट रेज करते हैं,
लेकिन उस शख्स से ये नहीं साबित हो सकता या हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि सारा पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, सारी मुस्लिम बिरादरी हमारे खिलाफ है, सारे हिंदू आपस में मुस्लिम्स के खिलाफ हैं, या ऐसी कोई चीज नहीं है। ये कुछ ऐसे, देखिए, वर्ल्ड इज ए ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड, उसमें अच्छे बुरे इंसान हैं, तो जो अच्छाई करने वाले हैं हमेशा जीत तो उनकी होती है, लीड वही लेते हैं। तो जो एक दो चार आदमी, जो ऐसी संस्था जो लोगों ने अपने मुफाज के लिए पैदा की हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। ये जो एका दुका इंसिडेंट होते हैं, यहां ब्लास्ट कर दिया, वहां ब्लास्ट कर दिया, ये एक टेरर है, ये एक लोगों के मन में फियर जलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज तक उस फियर का रिजल्ट क्या निकला है? आज अगर कोई पाकिस्तान से आए, हमने इंडो पाक गेम्स करवाई थी 2004 में पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब और हमारे पंजाब में 800 लोग वहां से एथलीट और ऑफिशियल्स इधर आए थे, और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज अलाही, चौधरी परवेज अलाही, वो अपने परिवार के साथ आके हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह निवास पे रह के गए। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपस कल उनका फोन आया, उन्होंने मेरे को खुद बुलावा भेजा, स्पीकर आजकल असेंबली के स्पीकर हैं वहां, चौधरी परवेज साहब, तो उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश जाहिर करी कि हम वहां पहुंचे। लेकिन क्योंकि यहां पे फंक्शन है, कल ग्राउंड ब्रेकिंग है उनका 28 तारीख को है, उन्होंने सीएम साहब को भी बुलावा भेजा है, लेकिन ये कुछ निर्णय या कभी इतनी जल्दी में नहीं, लेकिन जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हम सब जो वहां जाना चाहेंगे उस गुरुद्वारा साहब में, ननकाना साहब में, पंजा साहब में, और अपने भाइयों को मिलने जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं